हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो आज है दिन संडे फंडे और यहाँ पर बाहर की क्लीनिंग कर मैं अंदर लगा रही हूँ पोछा। तो सुबह सुबह हमारे क्लीनिंग के काम है, साफ सफाई के है, वो हो जाएंगे कंप्लीट। और चलिए अब बना लेते हैं खाना। और यहाँ पर मुझे बनानी थी चने की चटनी, तो ये हरा छोला जिसको बोलते हैं, इसकी मैंने यहाँ पर बना ली है चटनी। दही को कन्वर्ट कर लिया है लस्सी में, तो हमारा सिंपल सा जो खाना है हो जाएगा तैयार। और यहाँ पर रोटियों को मैं इंडक्शन पर ही सेक रही हूँ, इससे जो हमारी रोटी है बिल्कुल चूल्हे जैसा टेस्ट आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये रोटियाँ। तो अभी फटाफट से सारी रोटियाँ बना लेती हैं, क्योंकि सभी कर रही हैं खाने का इंतजार। नहाकर हो गई हैं सभी तैयार, तो चलिए बना लेती हैं सारी रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के साथ मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, तो साथ में हमारे कपड़े भी जो है धुल रहे थे। खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो ये देखिए दोनों ही बच्चे यहाँ पे खेल रही हैं, और इनको दिख गया है यहाँ पे बंदर मामा, छेड़ते नहीं इसको। और यहाँ पर देखिए हर्षु मुझे कपड़े पकड़ा रही है, वो मेरी हेल्प कर रही है कपड़े पकड़वाने में। तो अभी फटाफट से सुखा देते हैं सारे कपड़े, धूप अच्छी आई हुई है तो जल्दी ही सूख जाएंगे। यहाँ पर प्रिंस मेरे साथ कर रहा है बातें, मुझसे कुछ पूछ रहा है वो। बंदर और एक बंदर ने, इसी बंदर ने बाइक गिराई होगी मम्मी, बड़ा सा है। दोपहर में सबके लिए अंगूर धोकर और हर्षु को अंगूर देकर मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन में फिंगर चिप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चार बड़े साइज के आलू ले लिए हैं फिंगर चिप्स बनाने के लिए। इनका छिलका उतार लेंगे और अच्छे से वॉश कर देंगे। साथ में मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था, तब तक कर लेते हैं इनकी कटिंग। और इनके साइड वाले पार्ट को काट, आलू के बाहर की किनारियों को काट कर इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे और इस तरीके से इसके स्लाइस कर लेने हैं। पतले पतले स्लाइस है, उसको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे मैंने इसके पतले पतले टुकड़े जो है कर लिए हैं। तो इनको जो फ्राई करना भी आसान रहता है, बॉयल करना भी आसान रहता है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे ही स्लाइस को कट कर लिया है और साथ में इनको धो भी दिया था। और अभी हमारा पानी जो है अच्छे से बॉयल हो गया था, बॉयल पानी में ही इनको डालना रहता है। उबलते हुए पानी में इनको डालकर मैं 5 मिनट का टाइमर यहाँ पे सेट कर दिया था। तो ये देखिए 5 मिनट में हमारे कुछ ऐसे पककर तैयार हुए हैं। तो अभी मैं इनको निकाल लूंगी और एक साफ कपड़े पर इनको फैला लेंगे, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से सोख जाए, ताकि फ्राई करने में आसानी रहे। और यहाँ पर मैंने साथ में घी को गर्म होने रख दिया है, क्योंकि इसके लिए घी है वो अच्छा गर्म चाहिए हमें। आलू स्लाइसेस को अच्छे से सोखने के बाद, पोंछने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ राइस फ्लोर, चावल का आटा। इससे जो हमारा टेक्सचर है वो अच्छा आता है। और यहाँ पर घी हमारा अच्छे से उबल गया था, अच्छे से बॉईल हो गया था। तो अभी मिला देंगे इसमें आलू के स्लाइसेस। और ये देखिए कैसे कुरकुरे से इनको पका लेंगे, अच्छे से इनको पका लेना है। तो ये देखिए इनका कलर है जो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिंगर चिप्स में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में ले लिया है काला नमक और चाट मसाला, ताकि जो हमारे फिंगर चिप्स हैं उनका टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। और यहाँ पर बारी बारी करके मैं सारे ही जो फिंगर चिप्स हैं हमारे फ्राई कर लूँगी, और साथ साथ में इनमें मिला दूँगी ये हमारा जो मसाला है, इसको मिक्स कर लिया है काला नमक और चाट मसाला को। तो ये देखिए कुछ ऐसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं ये फिंगर चिप्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होते हैं ये फिंगर चिप्स। तो ये देखिए कुछ ऐसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं ये। इसके बाद प्रिंस को बुलाने के लिए आ गए थे उसके दोस्त खेलने के लिए। कैसे बने हैं? तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया ये। और यहाँ पर ये कर रहे थे घर पर बात। और इसके बाद हम सबने भी टेस्ट किए, तो फिंगर चिप्स बहुत ही टेस्टी बने थे। और इसके बाद प्रिंस चला गया था खेलने बाहर अपने दोस्तों के साथ। और मैंने यहाँ पर बना ली है कॉफी, हर्षु के लिए कर दिया है दूध गर्म, तो कॉफी बनकर हो गई है तैयार, आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ पर इवनिंग में मैं करने लगी थी कपड़ों को रखने लगी थी, तो यहाँ पर सारे कपड़ों को रख दिया है। उसके बाद मुझे बनाना था खाना, और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो चलिए बना लेते हैं खाना। और यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश करके उनको भूनने के लिए रख दिया है, साथ में रख दी है प्याज टमाटर, तो बैंगन का भरता बना लेंगे। और हमारी थोड़ी सी सब्जी जो बनकर हो जाएगी तैयार। और यहाँ पर बना ली है रोटियाँ, इसके बाद सब खा लेंगे खाना। और यहाँ पर प्रिंस आ गया था खेलकर, तो सबसे पहले उसके लिए ही लगा दिया है खाना, और इसके बाद निपटाई बाकी सारे काम। और बाद में हम चले गए थे सब्जी लेने के लिए बाहर, तो यहाँ पर हरी भरी सब्जियाँ लेकर आ गए थे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।